अपने गुरुपाद पद्म त्रिला प्रवेश विष्णुपाद अष्टोदश श्री भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज एवं मंचस्थी परम पूज्यपाद श्री श्रीमद भक्ति वेदांत क्षेत्र गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अमृत नाम अर्पण करता हूँ। तत्पश्चात पूज्यपाद परमेश्वर प्रभु जी के चरण कमलों में मेरा अमृत प्रणाम और उपस्थित सभी वैष्णव वैष्णवों के चरण कमलों में मेरा यथायोग्य अमृत प्रणाम। हमारा बड़ा सौभाग्य का दिन है कि श्रीमद् भागवतम के बीच में हम इस एकादशी व्रत का पालन कर रहे हैं। वेदों में शास्त्रों में सर्वत्र ही एकादशी की महिमा का वर्णन किया गया है। कल हम लोग श्रील महाराज जी से और गौरसुंदर प्रभु जी से हम श्री नारद ऋषि की महिमा का श्रवण कर रहे थे कि नारद ऋषि कितने महान संत हैं। उन्हीं नारद ऋषि का एक पुराण है नारद पुराण, उसमें बड़े सुंदर रूप में कथा वर्णन होती है जिसमें श्री एकादशी की महिमा का पता चलता है। उसमें बताते हैं कि एक समय एक राजा था जिसका नाम था रुक्मांगद राजा, बड़ा ही भक्त राजा था और इसकी पत्नी का नाम था संध्यावली और इसका एक पुत्र था जिसका नाम था धर्मांगद। तो ये तीनों बड़े ही भगवत भक्त थे, सदैव भगवान विष्णु की भक्ति करते थे और जिस राज्य के राजा थे उस पूरे राज्य में भी इन्होंने नियम बनाया हुआ था कि सबको एकादशी के दिन व्रत रखना है। अगर कोई भी व्यक्ति एकादशी को व्रत नहीं रखेगा तो उसको सजा क्या मिलेगा, मृत्यु दंड मिलेगा। तो ऐसे ये महान राजा थे और इनका नियम क्या था, एकादशी का जो यथार्थ रूप में नियम है वो होता है तीन दिन का नियम। तीन दिन का नियम कैसे, एकादशी से एक दिन पहले निर्जला रखो, एकादशी वाले दिन निर्जला रखो, रात को पूरा रात जागरण करो और अगले दिन फिर से निर्जला व्रत रखो। लेकिन हम लोग तो ऐसा कर नहीं सकते, तो इसलिए गुरु वर्गों ने हमारे लिए आसान कर दिया, एक ही दिन का व्रत होता है, उसमें भी बहुत सारे ऑप्शन है खाने में। लेकिन उस समय जो रुक्मांगद राजा था उसने सारे रुक्मांगद राजा ने सारे राज्य में यह सूचना भेजी हुई थी, यह ढिंढोरा पिटवाया हुआ था कि सबको एकादशी का व्रत रखना है। तो क्या होने लगा कि सब लोग उसके राज्य में जब एकादशी का व्रत रखने लगे तो सब लोग धरती को छोड़कर के सीधा कहाँ जाते थे, वैकुंठ धाम में जाते थे। अब जो धर्मराज थे वो तो चिंतित हो गए कि मेरा लोक तो खाली हो गया भाई, कोई ऐसा बुरा काम करता ही नहीं है, सब लोग एकादशी व्रत रख रहे हैं, मेरा लोक तो खाली हो गया, मेरे पास तो कोई काम ही नहीं रहा, मैं तो फ्री हो गया है ना। तो उनको बड़ी चिंता हुई तो वे ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास जाकर के जब उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि भगवान के पास उन्होंने प्रार्थना की तो भगवान ने उनको बताया कि आप एक मोहिनी नाम की एक स्त्री को उत्पन्न करो, एक अप्सरा को उत्पन्न करो। वास्तव में भगवान रुक्मांगद राजा की परीक्षा लेना चाहते थे उसकी भक्ति की। तो ब्रह्मा जी ने एक बड़ी ही सुंदर अप्सरा बना करके उस राजा के राज्य में भेजी जिसका नाम था मोहिनी। तो जब राजा एक दिन शिकार खेलने के लिए गया तो उसने उस अप्सरा को देखा और देखते ही उसके सुंदर रूप पर मोहित हो गया और उसके निकट में जाकर के उसने प्रार्थना की कि हे देवी आप मुझसे विवाह कर लो। तो उस मोहिनी ने कहा कि मैं ठीक है आपसे विवाह कर लूँगी लेकिन मेरी एक शर्त है, वो यह है कि आपको मेरी सारी बातें माननी पड़ेंगी। अगर आप किसी भी दिन मुझे मना कर दोगे किसी बात से तो मैं उसी समय आपको छोड़ करके चली जाऊँगी। तो वो राजा ने उस मोहिनी की उस बात को मान लिया और उनका विवाह हो गया। बहुत वर्ष बीत गए, राजा और रानी एक साथ महल में रह रहे थे। एक दिन रानी ने अपनी खिड़की से देखा कि बाहर एक बहुत अनाउंसमेंट हो रही है। क्या अनाउंसमेंट हो रही है कि सावधान, कल एकादशी का व्रत है, किसी ने भी अपने घर में अन्न का एक भी दाना नहीं पकाना और ना ही किसी ने खाना है, केवल मात्र सब लोग निर्जला व्रत रखेंगे। तो ऐसे करके जब उसने ये अनाउंसमेंट सुनी तो आकर के उसने अपने पति से पूछा तो पति ने बताया कि हमारे राज्य में नियम है कि सबको एकादशी व्रत रखना पड़ता है। तो उस रानी ने बोला कि आज कल आप एकादशी का व्रत नहीं रखोगे। तो राजा बोला कि नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, एकादशी का व्रत तो मैं हमेशा से रखता आया हूँ, इस बार भी रखूँगा। तो उसने बोला कि नहीं, आपने मुझसे वादा किया था कि अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं आपको छोड़ करके चली जाऊँगी। अब राजा तो बड़ा चिंतित हो गया। तो राजा ने तो फिर भी राजा इस नियम पर डटा रहा कि मैं तो एकादशी का व्रत रखूंगा ही रखूंगा, तुम्हें जो करना है सो करो। लेकिन फिर अंत में जो मोहिनी थी उसने एक कंडीशन रखी कि अगर आप मुझे यहाँ पर रखना चाहते हो
तो आपको अपने पुत्र की बलि देनी होगी, आपको अपने हाथों से अपने बेटे को मारना होगा और आपकी आंखों में एक भी आंसू नहीं आना चाहिए। तो ये सोच करके तो वो बड़ा धर्म संकट में फंस गया। लेकिन जो उसका पुत्र था ना, उसका पुत्र भी बड़ा ही भक्त था, धर्मांगद। जब उसको ये बात पता चली कि मेरी जो सौतेली माता है उसने इस प्रकार की कंडीशन रखी है, तो उसने आकर के अपने पिताजी से बोला कि हे पिताजी, अगर एकादशी की रक्षा किसी भी प्रकार से होती है तो उसकी रक्षा करनी चाहिए, आप मेरा बलिदान दे दो। तो जब राजा ने यह बात सुनी धर्मांगद के मुख से, और रानी जो उसकी संध्यावली जो उसकी माता थी वो भी बड़े प्रसन्न हुई कि इसके एकादशी के प्रति कितनी निष्ठा है, कि एकादशी व्रत का पालन करवाने के लिए ये अपना बलिदान देने के लिए भी तैयार है। तो जैसे ही वो राजा तलवार लेकर के उसको मारने के लिए उद्यत हुआ, उसको उस अपने बेटे को, उसी समय भगवान वहाँ पर प्रकट हो गए और उन्होंने उसको रोक दिया। और भगवान ने बोला कि मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही यह सब कुछ किया था। तो इस प्रकार से उस राजा ने एकादशी की महिमा को स्थापित किया। अब मोहिनी जी हुई, मोहिनी ने पूछा कि मेरा क्या स्थान है, अब मैं कहाँ जाऊँ। तो भगवान ने बोला कि जो व्यक्ति भी दशमी के दिन एकादशी व्रत का पालन करेंगे उसको उस दिन तुम अन्न में घुस जाना और उनको यह पाप लगेगा। तो इसलिए हम लोग कभी भी विद्या एकादशी का पालन नहीं करते। एकादशी दो प्रकार की आती है, एक होती है विद्या एकादशी, एक होती है शुद्धा एकादशी। विद्या एकादशी उसको कहते हैं जब सूर्य उदय के बाद भी दशमी स्पर्श कर जाए। जैसे मान लीजिए सूर्य उदय है सुबह 6 बजे, मान लीजिए 6:05 तक दशमी तिथि है, तो हम उसको विद्या मानेंगे, पूरा दिन एकादशी में बने तो उस दिन व्रत नहीं रखा जाता, उस दिन उसको दशमी विद्या एकादशी बोला जाता है, तो उसको व्रत रखने से पाप लगता है। तो इसीलिए हम लोग शुद्ध एकादशी व्रत का पालन करते हैं, अगले दिन एकादशी व्रत रखते हैं, या फिर अगले दिन अगर एकादशी ना हो तो महाद्वादशी का व्रत रखा जाता है। तो इसलिए यह जो एकादशी का व्रत है बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है, इसकी और भी बड़ी सुंदर सुंदर कथाएँ हैं। आजकल ब्रज में देखा जाता है कि बहुत सारे ऐसे ऐसे अपसंप्रदायें हैं जो इस एकादशी व्रत का पालन करने से मना करते हैं, तो हम लोगों को बड़ा सावधान रहना चाहिए। हमारे एक संत हैं श्री भक्ति विनोद ठाकुर, उन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा है कि हमें विद्वेषियों से इतना डर नहीं है जितना कि हमें अपने जैसे दिखने वाले लोगों से है, जो बाहर से देखने में तो भक्त हैं, माला कंठी पहनते हैं, माला जपते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं, परंतु जो नियम हैं उन नियमों का पालन नहीं करते। तो वो लोग ऐसा बोलते हैं कि एकादशी का व्रत रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम तो राधा कृष्ण की नित्य सखियाँ हैं, हम तो सखी भाव से उपासना करेंगे, हमें व्रत रखने की ज़रूरत नहीं है, व्रत तो छोटे लोग रखते हैं। तो ऐसा नहीं है, जब तक हमारे हृदय में काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ये 6 शत्रु जब तक हमारे हृदय में है, तो हमें सभी नियमों का पालन करना पड़ेगा। हम लोग ऐसे ही सेंटिमेंटल होकर के भाव में आकर के ये नहीं बोल सकते कि मैं राधा रानी की सखी हूँ या मैं सखा हूँ, मैं कुछ पालन नहीं करूँगा, है ना, तो इस तरह से नहीं चलेगा। तो हमें इन सब लोगों से बचना चाहिए, और इसीलिए शुद्ध वैष्णव संप्रदाय में ही हमें आकर के गुरुदेव को स्वीकार करके उनके बताए हुए नियमों से चलना चाहिए। नहीं तो कलयुग में यथा तथा इतने सारे अपसंप्रदाय हैं, इतने सारे गलत लोग गुरु बन करके बैठे हैं जो ऐसी गलत गलत शिक्षाएं देते हैं, और स्पेशल पंजाब में तो सर्वत्र इस तरह की चीज़ों का प्रचार ही है, सब जगह निर्गुण निराकारवाद, रामकृष्ण को मत मानो, रामकृष्ण तो बहुत छोटे से हैं, आप लोग जब ध्यान करोगे तो अखंड ज्योति का ध्यान करोगे, अखंड ज्योति में आपको जाकर के समाना है, रामकृष्ण तो आपको रास्ते में मिलेंगे, है ना। कोई कोई संत ऐसे किसी जो तथाकथित संत हैं उनकी वीडियोस में देख रहा था, तो उसमें एक व्यक्ति बोल रहा खड़ा होकर कि हे गुरु जी, मेरे पास ब्रह्मा विष्णु और महेश आए, वो रो रहे थे, है ना, वो रो रहे थे और बोल रहे थे कि आपके गुरु जी का प्रसाद तो मुझे मिलता ही नहीं है, आपके गुरु जी के इतने शिष्य हैं वो प्रसाद वितरण कर देते हैं, ब्रह्मा और विष्णु महेश रो रहे हैं और बोल रहे हैं कि मुझे प्रसाद नहीं मिला, तो मैंने आपका प्रसाद उनको प्रदान किया और वो बड़े खुश हुए और उन्होंने मुझे आशीर्वाद प्रदान दिया। तो ऐसे ऐसे लोग जो हैं इस तरह के गलत गलत चीज़ों का प्रचार प्रसार करते हैं, तो हमें ऐसे तथाकथित संतों से बचना चाहिए जो इतने गलत तरीके से भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश जो अभी प्रभु जी ने बताया जन्मादस्य, जिनसे सृष्टि होती है, स्थिति होती है, प्रलय होती है इतने सारे लोगों की, उनको वो क्या बोल रहे हैं कि मेरे गुरु जी का प्रसाद देने के लिए वो रो रहे हैं। तो कैसे कैसे तथाकथित संतों का पंजाब में प्रचार है, तो हमें ऐसे लोगों से बचना चाहिए। और ऐसी शुद्ध वैष्णव धारा में जहाँ पर शुद्ध नियमों का पालन होता हो, बताया जाता हो, उसी को हमें गुरु रूप में उसी संप्रदाय को हमें ग्रहण करना चाहिए।
वांछा कल्पतरु श्रेष्ठ के पास एकादशी तिथि की जय। बोले एकादशी तिथि की। हाँ देखो आज सब हरे कृष्ण। देखो जो एकादशी व्रत है, हाँ ध्यान देकर सुनो, हमारे ऋषि मुनियों ने जो जो व्रत रखा है ये मत समझो इन लोगों ने अपना मन कल्पी अपना मन गढ़ंत सब व्रत रख लिया। बोले ऐसे नहीं, कभी ऋषि मुनियों ने जो जो नियम रखा है वो सबके सब साइंटिफिक कुछ रीजन है। आप लोग प्रश्न करके भैया एकादशी में क्या साइंस है, देखो ये चीज अच्छा तरह समझो। बोले एकादशी में क्या साइंस है, कभी ये साइंस है, कभी हमारी ये शरीर एक मशीन है। अच्छे तरह से समझो, आप भी दूसरों को समझा सकते हो। ये शरीर एक मशीन है, कोई भी मशीन को आप कंटिन्यू ध्यान में चल रहे, कोई भी मशीन को आप कंटिन्यू नहीं चला सकते, वो खादू तो बढ़े। बोले साथ ही नहीं पड़ेगा पागल हो जाएगा फिर। इसलिए जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं बीच में खेल छुट्टी होता है कि नहीं, आधा घंटा के लिए 10 मिनट के लिए खेल छुट्टी होता है। क्यों? ये ब्रेन भी एक मशीन है, अगर थोड़ी समय उसको रेस्ट दे दो ना फ्री हो जाता है, फिर ये कैच करता है। इसलिए ऋषि मुनियों ने बोले भैया अगर बकरी जैसे दिन भर मुंह को चलाते रहोगे ये शरीर ज्यादा दिन काम नहीं करेगी, इसलिए क्या करो 15 दिन में एक बार कम से कम शरीर को थोड़ी सी विश्राम दो, शरीर को थोड़ी सी विश्राम दो, शरीर की विश्राम दोगे तो ये शरीर निरोग रहेगा। फिर प्रश्न होता है हम एकादशी का दिन ही क्यों शरीर को रेस्ट दे, और भी तो किसी दिन शरीर को रेस्ट दे सकते हैं। ये चीज को अच्छे तरह समझो। आप लोगों ने सुने होंगे समुद्र में एक हाई टाइड होता है, सुने होंगे जुहार बेटा, सुने होंगे कि नहीं, पानी समुद्र को उभरती है और घटती है, हैं? हम तो समुद्र किनारे में रहने वाले हैं। कहते ये जुहार बेटा क्यों होता है, कारण है ये जो चंद्रमा है ये पृथ्वी को आकर्षण करती है, ये पृथ्वी चंद्रमा को आकर्षण करता है, दोनों दोनों को खींचते हैं। लेकिन ये पृथ्वी तो बहुत बड़ी है, इसलिए ये पृथ्वी तो वो खींच नहीं सकता, इसलिए इसका जो प्रभाव है ये पानी के ऊपर भी पड़ता है। इसलिए समुद्र में एकादश से लेकर के पूर्णिमा तक बड़ी बड़ी लहरी आती है, बड़ी बड़ी लहरी आती है पानी ऊपर। क्यों? जितना ये चंद्रमा बढ़ेगी उतना प्रभाव इसको ये समुद्र के ऊपर पड़ता है, इसलिए ये पानी उभरती है, बड़ी बड़ी लहरी आती है उस समय में। लेकिन फिर पूर्णिमा के बाद में चंद्रमा जितने बढ़ती जाएगी उतना पानी उभरती जाती है, जब चंद्रमा घटने लग जाती है पानी धीरे 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 पानी घटना शुरू हो जाती है। कहते उसी तरह हमारा जो शरीर है वो 5 चीज को द्वारा बना हुआ है। कितने चीजों से, क्या क्या बोलो, बोलो शरीर की कौन सा चीज बनी है, मिट्टी वायु अग्नि जल और आकाश। खिति जल पाप गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। इसलिए 5 चीज में आप बताओ सबसे ज्यादा शरीर में क्या चीज है, जोर से बोला पानी। कितना परसेंट है, 70-75% शरीर में पानी है। पानी होने का नाते आप लोग लक्ष्य करके देखना, जिनकी घुटन में दर्द है, जिनकी कमर में दर्द है, शरीर में कोई रोग हो, ध्यान करके देखना ये एकादशी जब आएगी चंद्रमा जब बढ़ती है ये शरीर में थोड़ा दर्द ज्यादा शुरू होता है। द्वादशी का दिन और थोड़ा ज्यादा, पूर्णिमा का दिन इतनी शरीर दर्द होने लग जाएगी आप सो नहीं सकते। आप किसी हॉस्पिटल में जाओ, कोई भी हॉस्पिटल में जाओ, नजर करके देखना ज्यादा बीमारी लोग कौन सा दिन से कौन सा दिन तक आता है। आप देखना एकादश से लेकर के पूर्णिमा तक ज्यादा लोग बीमारी ग्रस्त होते हैं, वो ज्यादा हॉस्पिटल में जाते हैं। किसी शमशान के पास में जाओ लक्ष्य करके देखना कब लोग ज्यादा मरते हैं, वो एकादश से लेकर पूर्णिमा तक ज्यादा लोग को मरते हुए देखोगे। ये जो खून खराब होती है आप नजर करके देखना कब ज्यादा ये खून खराब होता है, ये एकादश से लेकर पूर्णिमा तक। क्यों? ये चंद्रमा का प्रभाव जो शरीर के ऊपर पड़ता है शरीर में काम क्रोध बीमारी सबके सब सृष्टि होता है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने बोले देखो जैसे क्यों ये अन्न खाने के लिए मना किया, ये चीज को समझ लो, जैसे रोटी खाओ चावल खाओ ये स्पंज जैसे होता है, इसलिए रोटी खाओ तो कुछ दिन थोड़ी देर बाद में ये पानी मांगेगा, मांगेगा स्पंज। जैसे चावल खाओ देखना थोड़ी देर बाद में फिर प्यास लगेगी,
लेकिन फल था, पानी मांगेगा नहीं लगेगा। इसलिए बोले एकादशी का दिन क्या खाने के लिए, फल फूल खाने के लिए बताए, क्योंकि पानी हमको मांगेगा नहीं, लेकिन रोटी चावल खाओ उस पांच जाती हो, इसलिए पानी मांगेगा। जितने शरीर में पानी जाएगा उसको प्रभाव, चंद्रमा का प्रभाव उतना पड़ेगी, उतना ही बीमारी ग्रस्त होगी। और बीमारी होने पर देखो कहते मेडिसिन मेड इन सीन, सीन मतलब क्या, पाप, टेरामाइसिन क्रोसिन, देखो दवा का नाम यही है। ये सब बीमारी क्यों होता है, सीन मतलब पाप से होता है, ये सब के सब पाप से होता है ये बीमारी। इसलिए ये सब साइंटिफिक बड़ी रीजन है, हमारे जितने ऋषि मुनि लोग शास्त्र में जो विधि विधान बताया ना, हमारे जो बाल्मी व्यास देव नानक जी जिनके जितने जितने बड़े बड़े संतों के जीवन देखो, वो छोटे मोटे साइंटिस्ट नहीं थे, ये लोग बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट थे। आप लोग तो लिखे पढ़े देखना, एक साइंटिस्ट एक बात बताता है, कुछ दिन बाद में दूसरा साइंटिस्ट आया, पूरा इसको सारे फिलोसफर को काट कर जाता है। इसलिए बच्चों का पुस्तक बदलती है, लेकिन ये हमारे ऋषि मुनियों ने जो जो ग्रंथ लिख कर गए हैं, व्यास देव वाल्मीकि जो जो ग्रंथ लिख कर गए, आप बताओ गीता का कोई अभी श्लोक बदला है, रामायण का कोई चौपाई हुई बदली है, भागवत की कोई श्लोक हुई बदला है, अभी तक सुने हो कभी नहीं सुने, क्यों, ऋषि मुनि लोग बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, इन लोगों ने भजन करते करते अपना दिव्य दृष्टि से जो चीज लिख कर गए हैं वो अपना दिव्य दृष्टि से लिख कर गए। उनका जो इंद्रियां है, हमारी इंद्रियां चार दोष है, भ्रम प्रमाद कर्णापाटक और विप्रलिप्स, ये चार दोष हमारी इंद्रिया में, पानी को जल दिखता है, जल को स्थल दिखता है, हैं, इसलिए हमारी इंद्रियों में सब कमी है। इसलिए बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग जो निकालते हैं दो दिन बाद में, फिर दूसरा साइंटिस्ट काट कर जाती है, लेकिन ऋषि मुनियों का कोई ग्रंथ अभी तक बदला नहीं। इसलिए एकादशी का दिन जो ऋषि मुनियों ने जो व्रत का नियम बताए, बहुत बड़ा साइंटिस्ट साइंस इसमें छुपा हुआ, इसलिए आप लोग जरूर एकादशी व्रत रखना। एकादशी व्रत की बड़ी महिमा है, बड़ी महिमा एकादशी व्रत की है। इसलिए कल सुन रहे थे ना, स्वयं नंद यशोदा एकादशी व्रत रखते थे, भगवान की पिता माता, कल सुना था ना एकादशी को कौन सा व्रत बताया था मैंने, कल्पतरु व्रत बताया था, कल्पतरु मतलब दिया, जो मांगो वही मिलेगा। इसलिए नंद यशोदा के पुत्र था नहीं, कृष्ण थे ही नहीं, उन्हें सारे व्रत कर चुके थे, लेकिन घर में कोई संतान नहीं हुआ, लेकिन जब पुत्र था एकादशी की, पुत्र जन्म दी। कामदा एकादशी मतलब कोई भी कामना वासना करो एकादशी पूरी कर देगी। मोक्षदा मतलब जो मुक्ति प्रदान करती है। अन्नदा घर में अगर अन्न सस्य की कमी एकादशी कर तो घर में अन्न सस्य आती है। इंदिरा, इंदिरा मतलब लक्ष्मी, अगर वो एकादशी कोई करे ना घर में कभी तुम्हारी पैसा की कमी नहीं रहेगी, इंदिरा मतलब लक्ष्मी है, घर में लक्ष्मी आएगी। विजया एकादशी का नाम विजया, जो एकादशी करने से कभी अब हारेंगे नहीं, कोई भी काम करेंगे तो जरूर उसमें विजय प्राप्ति होगी। आज जो एकादशी है इसका नाम सफला, सफला मतलब क्या है, एकादशी व्रत करोगे तो इसमें फेल कभी नहीं होगे, हर चीज में सफलता प्राप्त करोगे। आज की जो एकादशी आप लोगों ने रखा है, इसलिए हर एकादशी का अलग 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 नाम है। इसलिए जिसको पंच पांडव द्रौपदी को साथ में जो व्रत रखा करते थे, अभी सुना है ना रुक्मांगद महाराज उसी समय में पृथ्वी को भी राजत्व करते थे, और स्वयं एकादशी व्रत रखते थे, और सभी को उन्होंने एकादशी व्रत कराया करते थे पहले ऋषि मुनि। इसलिए एकादशी की बड़ी महिमा है, आप लोग जरूर एकादशी व्रत रखो। एकादशी व्रत का जो अधिष्ठात्री देवता है ये स्वयं श्री वाक्य भी आए, स्वयं वाक्य भी आए, जगत में 33 करोड़ देवता, जैसे कोई सोम कोई मंगल कोई बृहस्पति, अलग अलग देवता के लिए ना, सोमवार किसके लिए करते हैं भोले बाबा के लिए, मंगलवार किसके लिए करते हैं हनुमान जी के लिए, बुधवार किसके लिए गणेश जी के लिए, बृहस्पतिवार लक्ष्मी के लिए, अलग अलग देवा देवी के लिए, लेकिन जगत में तो 33 करोड़ देवता है। आप बताओ कितने को मनवाओगे, कितने को मनाओगे, कितने को बिगाड़ोगे, एक को मनाओ तो दूसरे मुंह फुला कर बैठ गए। लेकिन ये कृष्ण ऐसे के देवता है, आप लोग महाभारत देखे होंगे ना, भगवान कृष्ण विराट रूप दिखाया, देखे होंगे ना, बड़े विराट रूप दिखाया, बोले हे अर्जुन देख मैं कौन हूँ, जिसको तो ब्रह्मा कहे तो देखो ब्रह्मा मेरे में,
जिसको भोले बाबा कह दो भोले बाबा मेरे में, जिसको गणेश कह दो गणेश मेरे में, जिसको तुम इंद्र चंद्र वायु देखो अर्जुन मेरे अंदर में विश्व ब्रह्मांड देखे होंगे ना विराट रूप ठाकुर जी के। इसलिए कृष्ण कहते हैं मत परतरम नान्यत किंचित अति धनंजय, हे अर्जुन मेरे को छोड़कर जगत में कोई परतत्व नहीं, अर्जुन विश्व ब्रह्मांड मेरे अंदर में। इसलिए उन्होंने दो चीज समझाया, आप लोग भी ध्यान देकर सुनो, बहुत अच्छी बात बताए, दो उदाहरण देकर बताए। अगर इतनी सी बात समझ जाएंगे ना आपका मन एकदम क्लियर हो जाएगा। दो चीज जो उन्होंने समझाया, पहला उदाहरण दिया जैसे कि पेड़ है, जब पेड़ का जड़ में हम पानी डाल देते हैं क्या होता है, वो पूरा पेड़ हरा भरा रहता है। अगर कोई व्यक्ति जड़ में पानी नहीं दे, दिन भर फल को फूल को पत्ते को धोते रहे लेकिन जड़ में पानी नहीं देगा, बताओ वो पेड़ जीता रहेगा कि नहीं, बताओ जिंदा रहेगा कि नहीं, पेड़ मर जाएगा ना। लेकिन आप कहीं भी पानी नहीं दे रहे हो, आप जड़ में पानी दे रहे हो, पेड़ जिंदा रहेगा कि नहीं, जिंदा रहेगी ना। दूसरा उदाहरण दिया जैसे भोजन देते हैं मुंह में देते हैं, अगर मुंह में अगर भोजन दो तो देखना सारी इंद्रियां काम करती हैं। अगर कोई व्यक्ति मुंह में जैसे भोजन नहीं दे, बोले क्यों कान में सुनते हैं ना, थोड़ा डाल डाल दो, हाथ में काम करते ना थोड़ा उसमें चावल रोटी दे दो, नाक में श्वास लेते थोड़ा रहते हैं, नारायण भगवान राम कृष्ण का व्रत है। जब ठाकुर जी प्रसन्न हो गए ना, जैसे हमारी प्राइम मिनिस्टर, आप बताओ प्राइम मिनिस्टर कौन है भारत के, अभी बोलो कौन प्राइम मिनिस्टर है, मोदी। उसने ही किसको भाई, भाई को वायु देवता रूप में मैंने ही सबको नियुक्त किया है। जब कोई व्यक्ति ठाकुर की शरण में आ जाए ना, ये सब के सब अपने आप खुश हो जाते हैं। इसलिए एकादशी व्रत भगवान श्री कृष्ण का बांके बिहारी व्रत है। अगर बांके बिहारी खुश है ना, विश्व ब्रह्मांड आपको भर में। एक सुंदर कथा सुना, ज्ञानांजन शलाक्य चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय गौरप्रेष्ठाय भूतले श्री श्रीमद्भक्ति विज्ञान भारती इति नाम्नि, नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी नाम्नि, वाञ्छाकल्पतरुभ्यः श्रीपादसिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। मंच पर आसीन वैष्णव के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम, आप सभी उपस्थित वैष्णव और वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। आज का दिन जैसे महाराज जी बता रहे हैं बड़ा ही शुभ है, एकादशी तिथि है, हमारे वृंदावन में एकादशी त्योहार की तरह मनाई जाती है। हम लोग सुबह 4:15 बजे घर से निकलते हैं, 4:30 बजे मंगला आरती जी को कितनी बार दर्शन दिए भगवान ने, 72 times, 72 बार। गुरु ग्रंथ साहिब में भी वर्णन है, गुरु ग्रंथ साहिब में वर्णन है कितनी बार दर्शन दिए, भक्तमाल में अलग अलग कथाएं हैं, 72 बार भगवान ने अलग अलग रूपों में नामदेव जी को दर्शन दिए। कभी कुछ बन के आते, एक बार चल के जा रहे थे नामदेव, महाराज बोले भिक्षा तो आज हम अन्न को स्पर्श भी नहीं करते, एकादशी के दिन अन्न का स्पर्श का भी दोष होता है, इसका ध्यान रखना चाहिए। घरों में हमारे मठ में शाम को किचन पूरी धो के साफ कर देते हैं और उस दिन सिर्फ एकादशी का ही बनता है अगर बनाना है तो। उस प्रकार नामदेव हमारे द्वार पर आया हूँ अतिथि के रूप में और ब्राह्मण हूँ, तुम्हें मुझे भिक्षा देनी पड़ेगी। बोले ऐसे कुछ नहीं है, मैं तो आज आपको कोई भिक्षा नहीं दे सकता, कल आ जाओ द्वादशी है, कल आपको मैं भिक्षा दे दूंगा, आज आप कहीं और ना इंतजाम करो। बोला नहीं, मैं तो पता नहीं कौन सा वाला ब्राह्मण हूँ, जिस घर से एक बार मांग लिया उसी से मांगता हूँ, उसके बाद तो मैं अभी कहीं नहीं जाऊंगा। बोलो ऐसे वैसा वैसे नहीं, तो बहरा हो गई नहीं दे रहे। अब लोग बोलने लगे भाई ठीक है ये नहीं दे रहे तो आप हमसे ले लो। बोला नहीं मैं तो आपसे नहीं लूंगा। लोग अपने घर से आटा चावल दाल ले आए। बोले ले लो महाराज। बोले नहीं मैं तो इसी से लूंगा, नहीं तो फिर मैं क्या करूंगा, आज अगर इसने मुझे अन्न नहीं दिया तो मैं अपने प्राण त्याग कर दूंगा। तो नामदेव जी बोल रहे मुझे तो आज मैं अन्न को स्पर्श भी नहीं करूंगा, लकड़ियां मंगाओ, मैं तो आज यही सामने इसके घर के चिता बना के मुझे जला देना। बोले जो करना है करो। अब उन्होंने क्या किया, लकड़ियां मंगा ली, वो बूढ़ा जो ब्राह्मण है ऊपर बैठ गया,
शाम का समय है, लकड़ी लास्ट वाली लकड़ी भी ऊपर डाल दी। बोलते अभी सोच लो, अभी बच जाओ तुम ब्राह्मण की हत्या का दोष लगेगा। बोले किसी ने प्रश्न किया कि आप कह रहे थे कि एकादशी का व्रत करना चाहिए, एकादशी नहीं करने अन्न से बचो। एक मेथड हमको जिसने लगाया था उसने ऐसे बोल के लगाया था, पहले जब हम महाराज जी से गुरुदेव से नहीं जुड़े थे, जिसने हमें वृंदावन में एकादशी करने लगाया था उसने ये बोला था, बस अन्न नहीं खाना, बाकी जो मर्जी खाते रहो। मैंने कहा मेरे को सभी भूख लगने लग जाती है। बोले कोई बात नहीं, खाते रहो, घरों की तरह खाओ, लेकिन अन्न नहीं खाना। तो मतलब तो हमने कहा ये तो अच्छी बात है, चलो फिर तो खास बड़ी ऑप्शन तो है ना, ऑप्शन बहुत ज्यादा देगी। तो इसीलिए हमने एकादशी करनी शुरू कर दी। तो शुरू में तो ऐसे ही करते थे, सुबह ही खाते थे। मैं ऑफिस जाते हुए 7 बजे ही खा के चला जाता था, दोपहर का अलग से ले जाता था, शाम को आके फिर खाता था पकौड़े बनाकर। ऐसे चलता रहा, ऑफिस में भी कई लोगों को लगा दिया एकादशी करने, लेकिन बाद में फिर पता चला चलो 12 बजे तक कोशिश करो। पहले मैंने कहा प्रभु जी 12 बजे तक नहीं, बोले 10 बजे तक निभा लिया करो। फिर 10 बजे तक 12 बजे पे आ गए। अभी गिरिराज जी परिक्रमा करने जाते हैं सुबह एकादशी को, हम लोग हर एकादशी गिरिराज परिक्रमा पे जाते हैं। तो वहां कई बार परिक्रमा करने के बाद लगे आती है भूख, तो खा भी लेते हैं, सही बताऊं झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो कई बार ले लेते हैं 10 बजे ले लेते हैं। वहां पे कोई वो मिल रहा होता है जूस वगैरह तो ले लेते हैं। शाम को फिर परिक्रमा हमको भी बता दो, वृंदावन में आपको दुकान बता देंगे जहाँ एकादशी वाला नमकीन मिलता है। वृंदावन में तो बहुत कुछ मिलता है, तो वहाँ एकादशी वाला बढ़िया अच्छा नमकीन मिलता है, उसमें काजू बादाम किशमिश बड़ा अच्छा चीजें डाली हुई है, उसको खाओ। चाय भी नहीं पीनी, चाय का सेवन नहीं करना, तो चाय की सेवन कीजिएगा। उस दिन क्या करो, चाय की लत लगती है, चाय अगर चाय पीने से लोगों को जलन होने लग जाती है, वो जलन भी बंद हो जाती है, पूरी बीमारी खत्म हो जाती है। लेकिन हम लोग ये सब उसके लिए जो कुछ करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, जो करना ही नहीं चाहता, छोड़ना ही नहीं चाहता, उसके लिए तो फिर कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए चाय की लत भी छूट सकती है एकादशी के दिन, जो कहते हैं ना। और वैसे भी चाय नहीं पीनी चाहिए, तो आम दिनों में भी ऐसी बहुत अच्छा दृष्टांत है कि एक बार श्री गोसाई विट्ठलनाथ जी महाराज, जो कि ठाकुर जी के अंश अवतार हैं, वो संध्या वंदन कर रहे थे यमुना जी के किनारे बैठे हैं। अब जो संध्या वंदन है, गायत्री पाठ है, ये है कर्मकांड का पाठ। जो व्यक्ति भाव अवस्था में पहुंच जाता है उसको कर्मकांड के नियमों का पालन करने की जरूरत नहीं होती, उसको एकादशी का व्रत करने की जरूरत नहीं होती। जो भाव अवस्था में पहुंच गया, जहां पे उसका भगवान के साथ संबंध स्थापित हो गया, जो ये लोग कह रहे हैं वृंदावन भगवान की अगर एक्चुअल में सकी हो तो सच में उसको जरूरत नहीं है। लेकिन उसी समय गोसाई विट्ठलनाथ जी, जो कि ठाकुर जी के अंश हैं, ठाकुर जी के साथ लगातार सारा दिन बातचीत करते हैं, वैसे ठाकुर जी के अंश गोसाई विट्ठलनाथ जी संध्या वंदन कर रहे थे, और उनके शिष्य पहुंचे हैं, तो अपने गुरु जी जो भगवान के चरणों तक पहुंचती है, भक्ति लता बोलते हैं इसको। तो इस लता की रक्षा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कांटों की बाड़ी लगानी पड़ेगी, नहीं तो लता को कोई भी नष्ट कर देगा। तो उस कांटों की बाड़ी क्या है, ये कर्म कांड के जो कुछ नियम है, तो संध्या वंदन आ गया, जब नियम एकादशी का व्रत आ गया, छिलका क्यों लगा दिया, गिरी खाते हैं हम तो, छिलका तो खाता नहीं है कोई, तो ठाकुर जी ने छिलका क्यों लगाया बताओ, उसकी रक्षा के लिए, नहीं तो गिरी नष्ट हो जाएगी। तो हमें मतलब तो गिरी से है, लेकिन केले का छिलका उसके ऊपर रहेगा, उसको उतार दिया, वही वाली बात, ऊपर स्टेज पे जब पहुंच गए तो बस हा हा करते रहेंगे, इस प्रकार से नहीं होता है। इसकी कथा आती है, वृंदावन में राधा वल्लभ जी का मंदिर है, ठाकुर जी किसके हैं, शिव जी के ठाकुर, शिव जी जिनकी सेवा करते थे, ऐसे महान ठाकुर जी सेवा करते थे, हितहरिवंश जी के पास आ गए। हितहरिवंश जी कौन है, ठाकुर जी के वंशी के अवतार साक्षात, इनका ठाकुर जी की वंशी के अवतार जो हितहरिवंश जी है, इनका घर में रख दिया विवाह, ये घर छोड़ के निकल लिए। अब जब रात में किसी घर में जाके रुके हैं वो पंडित के पास, ये शिव जी के ठाकुर राधा वल्लभ जी शिव जी का उपासक था, लेकिन एकादशी व्रत पालन नहीं करते, क्योंकि उनको पालन करना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि वो ठाकुर जी की वंशी के अवतार है। लेकिन फिर भी संत क्या करते हैं, हमारी संप्रदाय में एक संत हुए श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाल, वो एकादशी का व्रत करते थे। एकादशी के हितहरिवंश जी ठाकुर जी के पंडित जगन्नाथ जी के पंडो ने क्या किया, ठाकुर जी के सामने क्या कर दिया, पूरा प्रसाद लाके रख दिया एकादशी के दिन, महाप्रसाद। जगन्नाथ जी ने प्रसाद नहीं है, महाप्रसाद है, क्योंकि वही भोग जाके पीछे विमला देवी को लगता है, फिर वो महाप्रसाद बन जाता है। तो इसीलिए वो महाप्रसाद की अवज्ञा नहीं है, बोला जाता है इस महाप्रसाद के लिए श्लोक है, प्रसाद के लिए भोग। अगले दिन द्वादशी लग गई, पारण का समय आ गया, कल पारण का समय 8:35 पे है, अभी नोट कर लो, 8:35 पे हमें पारण करना है। तो पारण का समय आ गया, महाप्रभु बोले दो प्रसाद, हाथ में प्रसाद लिया, महाप्रसाद ग्रहण किया उसको, ये तरीका। तो यही गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने बोला, अरे तुम क्या शिक्षा दोगे अपने शिष्यों को, हितहरिवंश जी को बोले, तो हितहरिवंश जी को ऐसा उन्होंने बोला, कहते आज कर दिया,
गोपाल भट्ट, उनको ऐसा ठेस लगा, उन्होंने उसी समय अपना शरीर नहीं रखा, उनके शरीर उनका सर जो जाके गिरा। आज भी मानसरोवर है, आप गए हो कभी राधा रानी जहाँ मानसरोवर है, जहाँ राधा रानी मान कर रही है, वहीं पे जाके हरिवंश जी का सिर गिरा है। बात रखते हुए देखो कि मेरे गुरु जी ने मेरा त्याग कर दिया, इसीलिए अपने शरीर को नहीं रखा, लेकिन उनके अनुगत्य में आने वाले लोगों ने क्या किया, अच्छा एकादशी के दिन हमारे गुरुदेव ने शरीर त्याग कर दिया, हम एकादशी को ही नहीं मानेंगे, ये क्या तरीका हुआ। एकादशी व्रत तो हमें भगवान सकता है, हमारे राधे बोलते हैं, हम राधा जी के हैं, बद्ध मुक्ति की बात हमने कई बार पांके बहरी मंदिर में कथा करी है, तो पता ही है, हमारे प्रभु जी ये कथा बताते हैं, जब तक हमें भगवान के साथ संबंध स्थापित नहीं हुआ, भगवान के साथ तीन रूप से संबंध हो सकता है, या तो भगवान की जैसे सखा है, या भगवान की जैसे माता जी है वात्सल्य रस में, या सख्या रस में, या कि आंख तोड़ देगा उसको, मारेगा कि मेरी बहन की तरफ देख लिया तूने, क्यों, ये क्या है कि संबंध स्थापित हो गया, मेरी बहन ये संबंध आ गया। संबंध के साथ क्या होता है, भाव चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अभी क्या हमारा भगवान के साथ संबंध है, नहीं है भगवान के साथ, अभी हमारा संसार के साथ संबंध है। जिस दिन भगवान के साथ संबंध स्थापित हो गया, फिर वृंदावन से वापस नहीं आएंगे, बताया था ना प्रभु जी ने कल, हमारे आली माने लागे वृंदावन नहीं को, मेरा जी वृंदावन नहीं, उन्होंने भजन गा दिया, हृदय से निकला ये भजन, आली माने लागे वृंदावन नहीं को, अरे मुझे तो वृंदावन बड़ा ही नहीं को लगा, अभी वापस नहीं जाऊंगा, अपने पति के साथ कोई संबंध ही नहीं रहता। सुंदर गोपी कृष्ण की बातें करता जा रहे, वो बोलिए देखो इस पे भी कृष्ण कर्म चढ़ा है, मेरी माँ सच्ची कहती थी, माँ की सोचती है, जब उसका उसने ठाकुर जी को मुंह नहीं दिखाया तो ठाकुर जी बोले अब तुझे मैं लास्ट बार कह रहा हूँ, नहीं बोली मोहड़ा दिखा दे, बोली मैं नहीं दिखाऊंगी। वासी एक बार जो ग्रहण लगा था सूर्य ग्रहण के समय कृष्ण को मिलने गए थे, उस समय रुक्मिणी आदि गोपियों का, रुक्मिणी आदि रानियों को देख के कि ये तो हर समय कृष्ण के साथ रहती है, तो मालती के मन में क्या आ गया कि देखो राधा तो सारा दिन रोती रहती है कृष्ण को याद करके, लेकिन रुक्मिणी आदि रानियां तो हर समय। और आज भी एक दीदी का हरि नाम हुआ है प्रभु जी से, महाराज जी से, प्राणप्रिया दासी जी, तो इनको मैंने बोला कि देखो मैंने आज बड़ा सीरियस बात है, आसान नहीं है, क्यों, क्योंकि सारी पार्टीज में जाऊंगी तो प्याज लहसुन नहीं खाना, प्याज लहसुन पूर्ण तय छोड़ना पड़ेगा, ये नहीं कि घर में प्याज लहसुन खाते नहीं बाहर जाके खा लिया, ये तो तरीका चलेगा नहीं। तो मैंने इनको पूछा कि अपनी भापाओं को बोली मैं 1.5 साल से बाहर जा रही हूँ, हमारे यहाँ पे प्रभा आंटी जिनका नाम प्रेमलता दीदी है, अभी उन्होंने भी काफी सालों से छोड़ा हुआ है, वो जाते हैं बहुत, उनको तो सब जगह जाना पड़ता है लेकिन वो बिल्कुल ग्रहण नहीं करते, तो इसीलिए नियम तो हमें लाने पड़ेंगे जीवन में, नियम से ही सब कुछ आता है, बिना नियम के कुछ नहीं है, स्कूल जाने का नियम है, ऑफिस जाओ जी, आंटी के घर के पास ही गुजर रहे थे, वो भी बुला लेते, हमें 5-4 दिन दिखाया, 6वें दिन पता क्या बोली, बोली 5 रुपए के आधे घंटे हैं, उस समय 1 रुपया मिलता था 1 हफ्ते में हमें, सोचो 1 दिन में 5 रुपए कैसे लेते होंगे दादी से, हम अपनी 5 रुपए अपनी दादी से, फिर उसके एकादशी का दिन जो एक माला करता है उसको 100 माला जप करने का फल मिलना है, इतने महत्व है एकादशी का दिन, क्योंकि ये ठाकुर का तिथि है, इसलिए हम लोग बैठ करके 5-7 मिनट लगेगा, आप मेरे तरफ में देखो माला के बाद 5 साल पहले लखपति मतलब है जिसको घर में 1,00,000 स्वर्ण मोहर होगा, कितना होगा, अरे बोलो, जिसको घर में 1,00,000 स्वर्ण मोहर उसको घर में भोजन करूंगा। भक्त लोग तो साधारण थे, बोले प्रभु हम तो कभी लखपति बन ही नहीं सकते, हमारे घर में 100 रुपया तक भी नहीं, 100 रुपया मतलब स्वर्ण मोहर, तो फिर भगवान सबको बैठाया समझाया, बोले जानते हो असली लखपति कौन, बोले कौन, बोले रोज आना जो 1,00,000 ठाकुर जी की नाम जप करते हैं वही असली लखपति है। उनका भजन का नाम सुने होंगे कुछ दिन पहले रख करके, आप लोग मेरे साथ में एक बार बोलो, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, बोलो सबके साथ, हरे राम भी है, ये एक एक है, ये गोपी है, अगर हमें ऐसे 16 माला कर लिया तो हो गया 25,000, अगर हमने 64 माला कर लिया ना हो गया 1,00,000, कितना हो गया 1,00,000 हो गया, भगवान है ना, देखेगा आपके पास माला ही माल है, इसलिए आप लोग बैठ करके
आप लोग जिनको पास में माला जा रही है अच्छी बात है, अगर माला नहीं तो कोई चिंता नहीं, आप लोग मेरे साथ में सबके सब हरिनाम करो, आपको सब फल मिलेगा। लेकिन सबके सब करना, क्योंकि जो माला करेगा ना, जो करेगा उसको तो पाप ऊपर उठ जाएगी, लेकिन बैठेगा कहाँ पर, बोले जो नहीं करेगा। इसलिए ये मत समझो हम चुपचाप बैठ गए, नहीं, सबके सब हरि का नाम करो। देखो कृष्णा कहते हैं अर्जुन को, बोले ये हरिनाम कौन कर सकता है, कृष्णा कहते हैं बोले जन समझो ठाकुर की चरण में हम भगवान का नाम कर रहे हैं, सबके सब मेरे साथ में सबके सब करो, ठीक है, सबके सब मेरे साथ में करो। बोले हरे कृष्णा